guys, welcome back to my channel. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग जा रहे हैं अपने गांव आंगू विलेज, अभी आलो में हम लोग। तो हम लोग आंगू जाके वहां पे थोड़ा हम लोग एंजॉय करने वाले, मस्ती करने वाले। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग रवाना होते हैं आंगू की ओर। क्लासिक मारुति 800 चला रहे हम लोग। देवी बढ़िया गया, देवी चलाने इसका टेस्ट ही अलग है। वाला ओए ब्रेक नहीं, ब्रेक नहीं, ब्रेक नहीं। आगे चल के रोड अच्छा होने वाला है ना। मारुति 800 में भी दम है, एकदम पिकअप देखो, फास्ट देखो कितना फास्ट जा रहा है। क्या हो गया? चलो चलो टाटा। हम लोग हाईवे से डाइवर्ट होके अभी खेती की ओर जा रहे हैं, फार्म हाउस के साइड। ऑलमोस्ट देयर। ये डेविड का बाइक हमें रख दिया खराब हो गया। ये स्ट्रीम में हम लोग नहाने वाले बाद में। तो फार्म हाउस में पहुंच चुके हैं हम लोग। रास्ता थोड़ा खराब है, यहाँ पे काफी सारे फिश है ये पॉन्ड में। और वो फार्म है फिगरी, दिखाते हैं आपको बाद में। मार दो, साउंड तो बढ़िया है। देखो यार पीछे आशा है, बहुत बढ़िया है। सो गाइस, ये रस्ते से हम लोग आए, अभी सब लोग का आ गया है। अभी हम लोग का खाना पीना शुरू होगा, बनाना वगैरह। तो थोड़ा सा हमें हल्का सा पार्टी रखा हुआ है, सब लोग मिलके खाएंगे पिएंगे पकाएंगे, उसके बाद में नहाना नदी जाएगा। और गाइस यहाँ पे ना आने से नेचर का बहुत करीब फील करता है। यहाँ पे जो नेचुरल साउंड है ना उसको सुनिए, ध्यान दीजिए। ये अभी स्ट्रीम बहुत छोटा है, बारिश के दिन में काफ़ी बड़ा हो जाता है ना। इट्स वेरी क्लीन, यू कैन ड्रिंक दिस वाटर। नाउ वी आर इन द पिगरी, पिगरी फार्म में हम लोग आए हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ पे कितने सारे सुअर पाले हुए हैं। चलो ये देखते हैं पिगरी में कितने सारे पोर्क हैं, फ्यूचर पोर्क। तो देखिए काफी बड़े सुअर है यहाँ पे। अगर एलोंग के वासी आपको कुछ सुअर वगैरह खरीदना हो तो यहाँ पे आ जाइए। एकदम क्लासिक देखिए, एनवायरनमेंट एकदम ह्यूमेनली ट्रीट किया जाता है, इसे अच्छे से रखा जाता है। वहाँ पे धूप के लिए भी जगह है, आप उनको यहाँ पे बढ़िया से छाव में भी ले सकते हैं। खाना भी एकदम प्रॉपर दिया जाता है, एकदम ह्यूमेनली ट्रीट किया जाता है, अब्यूज नहीं किया जाता है यहाँ पे एनिमल्स को। ये नेक्स्ट जो पिग है इसको देख के आप खुश हो जाओगे, बहुत क्यूट सा है। बहुत हेल्दी है सुबह को सब, सब यहाँ पे इम्पोर्टेड माल है यार, इम्पोर्टेड पिक मिलेंगे आपको। अलग अलग रस लेते हैं यहाँ पे, अलग अलग ब्रीड के पिक है यहाँ। साइज देखिए, मेरे हाथ को कंपेयर, मेरे से कंपेयर कीजिए, देखिए कितने बड़े पिक है यहाँ। देखिए ये एकदम यूनिक रस लेंगे, ये वन ऑफ द वेरी यूनिक। आप इसका कलर देख सकते हो, ये पिक मिलता नहीं है, आपको कम है, रेयर है। इतना प्यारा है, इतना प्यारा, शुभम ये हमारा हीरो है, रील्स बनाते रहता है, कुछ कुछ करके दिखाओ।
कुछ करके दिखाओ, रुको रील्स में क्या करता है, दिखाओ रील्स में क्या बहुत कुछ करता है, दिखाओ दिखाओ कुछ करके दिखाओ। हाय गाइस एवरीबॉडी, दे दिया है सर, लाइक एंड सब्सक्राइब बोल रहे हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसको देखो तो ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, ये अगर इसको काटेगा ना एक केजी 1500 होगा इसका, ऐसा हाँ ऐसा लाइए इम्पोर्टेड हुआ है। ओके हाँ सोल का क्वालिटी वो देखो वो देखो इसका थोड़ा यूनिक है। यहाँ पे देखो पूरा टोटल एक कुक रखना पड़ता है आपको, ये पिगरी फार्म खोलना आसान नहीं है, काफी मेहनत का काम है, और इसमें जो इसका जो फूडिंग रहता है ना चारा काफी खर्चा होता है इसमें, तो ज्यादातर जो इसमें पिक का जो कॉस्टिंग इसमें जाता है ज्यादातर बहुत हैवी कॉस्टिंग है यहाँ पे। ये सिर्फ एक टाइम के लिए सबके लिए पहुंचेगा ये दोनों? अच्छा अच्छा ये दो भर के जो बर्तन है ये एक टाइम के लिए बस, दिन में कम से कम तीन टाइम देता है क्या, कितना टाइम देते दिन में? दिन में हाँ दो टाइम देता है ना। अच्छा अच्छा सुबह और शाम, सुबह और शाम। और ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये कच्चू है, ये लोकल जो वहाँ से फूडिंग आता है ना उसके साथ ये मिलाया जाता है। बोले ओ पापा जो पापा मो ये हम लोग का शेफ है, तो ये क्या बना रहा है बोले तो ये इंटेस्टाइन को बना रहा है ना, तो हमको बताओ स्टेप बाय स्टेप बताओ पहले क्या किया, मीट को काटा है, काटने के बाद मीट को इंटेस्टाइन को बॉईल किया। ओ वाओ लोकल दोरा वाओ, ये जो बंबू में बनाया ना हम बनाए, और ये है हम लोग का शेफ बंबू में डाला टेस्ट कैसा लगा बताओ। ये देखो ये मेरा फेवरेट है, ये बनेगा ना तो सब बढ़िया होगा ना, देखो कलर देखो टेक्सचर देखो फ्लेवर तो मस्त है। तो शेफ बताना नहीं चाहता, हम लोग का शेफ थोड़ा सा शर्मिला है और ये बोल रहे कि पार्लर नहीं गए आज, तो इसलिए फ्रेश होके बताएगा बोल रहे बाद में। ठीक है ये है इंटेस्टाइन वो जान लीजिएगा बढ़िया। तो आपको एक बात बताना चाहूँगा, वी आर द ट्राइबल पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हम लोग जो भी यहाँ पे काटते हैं जो भी खाते हैं एनिमल हम लोग का ट्रेडिशन पहले से रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी चीज़ जाया नहीं करते, मतलब नथिंग गो फॉर वेस्ट। हड्डी को भी हम लोग नहीं छोड़ते, ये हड्डी है हड्डी को बॉयल करके ना तो इसको भी खाएंगे बहुत गर्म है, तो हम लोग हड्डी को भी नहीं छोड़ते हैं, सो नथिंग गो फॉर वेस्ट। ठीक है मिस्टर अरुणाचल के ये लाइन नहीं बोलने से भी चले गए ये गेन हड्डी भी खाते हो ओए सोनर हड्डी खाते हुए खा के दिखे हां टेस्ट कैसे है बता रहा हूं बढ़िया खा ये देखो खा नो बीतो ला दे हमको पहले बोलना था डिलीशियस बढ़िया आपको तेरा वाला करते गए बढ़िया है देखो आई मीन और नेचुरल पूरा ऑर्गेनिक है इतना बढ़िया डायरेक्टर डायरेक्टर बड़ा और क्या बोल नहीं आ सका ये ठीक है ये सूप को वहां से निकाला है बम्बू से अभी यहाँ का कंटेंट को कैसे निकालते हैं वो दिखाएंगे आपको। ठीक है जो पत्ता हम लोग एक कम पत्ता बोलते हैं प्लेट जैसे यूज़ करते हैं जैसे कि साउथ में केले के पत्ते को यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पे ये एक कम पत्ते को यूज़ करते हैं। देखो ये है बम्बू से निकला हुआ बढ़िया चौकदक क्या है ये मीठे के ये एक खा के देखता हूँ वो देखो जूस को सूप को ऐसे निकाला जाता है जो इस फॉर्म में निकल जाएगा और ये बहुत टेस्टी होता है। देखो बढ़िया है पूरा बॉडी डायरेक्ट फुल है बढ़िया है
वो यहाँ से खा के देखो, तेरा एक्सप्रेशन देख के कौन कैसा है यहाँ पे हम लोग जो ट्राइबल पीपल हम लोग कुछ भी चीज वेस्ट नहीं करते ये भी स्किन खाते हुए मैंने कहा ये पेट है हम नहीं लेगा और दूसरा को हम ये इंटरेस्ट अभी तुक्का बताएगा ना कैसा है स्वाद इसका चलो ट्राई करो बढ़िया है ना सब तेरा क्यों होता कसम से यार बहुत बढ़िया है बहुत दे दिया बढ़िया बढ़िया सबको भी हरा देगा ये सॉल्ट बे को भी हरा देगा ये तो तब बढ़िया है वीडियो ऑफ नहीं कर रहे आसमान का ये फर्स्ट अटेम्प्ट मिस फर्स्ट अटेम्प्ट मिस होते हुए मार तो जा तो वहां से ये फाइनल होगा जो जीतेगा जीतेगा लगा ही नहीं तेरा अभी दोनों सेम अभी बोलो बंदूक में प्रॉब्लम है बोला अभी बंदूक में प्रॉब्लम है तो हम दोनों सेम था हम दोनों सेम है हम इसको सिखाया था सो ही कांट बी आज का अपना प्रोग्राम खत्म होते हुए ना सबको टाटा बाय बाय टाटा करो टाटा टाटा करो टाटा हम नहाने जाएंगे अभी थोड़ा राइट करेगा सोचा था बदमाश हो गया ना सो गाइस राइट कैंसिल राइड करने आया था यहाँ पे घोड़ा का राइड करेगा सोचा तो घोड़ा ही भाग गया नहा लेते जाके नदी पहुंच चुका सो आई एम हियर इन द रिवर मिथुन मिलेगा आपको यहाँ पे मिथुन जंगली मिथुन वहाँ पे पेशाब कर रहे हैं आई होप ऊपर साइड में कोई पेशाब ना कर रहा हो वहाँ पे नहा चलो हम भी वहाँ में जाके नहाएगा अभी सो आई एम गोइंग इनसाइड गाइस छोटा है क्या देखो पानी में जा रहा हूँ मैं अभी लेट्स सी हाउ डीप इज द वाटर खराब देखे रहे यहाँ पे घेरा है तो हम एक ठंडा से भाई ना यहाँ पे सीरियसली घेरा है तो देखो इतना इतना हो रहा है मेरा चेस्ट का तुम तो डूब जाएगा और नहीं तुम नहीं डूब जाओगे तुक्का डूबेगा ऊपर से फेंक दो बोले उंगा मेरे को उंगा में फेंक रहे वहां से ट्यूब ओहो 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 पानी देखो कितना साफ है पानी यहाँ का हाउ क्लीन इज द वाटर देखो लूसी अभी भी खेल ही रहा है पत्थर से क्या खेल रहा होगा वो क्या कर रहा होगा बढ़िया 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 थैंक यू भाई वाओ तन्नू मंती कौन है वाओ देखो इतना घेरा है यहाँ पे पूरा हम खड़ा है पूरा खड़ा है देखो इतना घेरा है
I want to do Tarzan with that rope, na, out there. Let's try. This one. Yeah, ho jayega. Jump maru. Hoga. गाइस स्टंट नहीं कर रहा, देखो लिप्स मेरा फट गया थोड़ा सा स्टंट करके, अभी अभी ऊपर से चलांग लगाया ना, मेरा खट गया। स्टंट मत करो भाई। Guys, tube जो मंगवाया था, I'm gonna try now. 1, 2, 3. Oh, बढ़िया। देखो। तुम गिरे हो पापा। ये, तू कहाँ? हमको तेलो ना, ऊपर तक। तुमको भी हम second में मिलेगा। तो गाइस हम लोग का नदी का ट्रिप हो गया, खूब नहाया खूब नहाया, मेरे हमको चोट भी लग गया थोड़ा सा, अभी ठीक हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, एंड खूब मस्ती किया। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक। टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, एडियोस सबकी तरफ से।